जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी। मित्रों, चंद्रवन्नी भक्तरस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवन्नी भक्तरस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आद्य शक्ति माँ भगवती से करवध प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमय हो। तो चंद्रवन्नी भक्तरस चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा वह होगा कन्या राशि के जातकों के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए 11 सितंबर से 17 सितंबर 2023 का यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। और वीडियो के अंतिम में बात करेंगे सुंदर, सटीक और महत्वपूर्ण उपाय के, जिस उपाय को आप करके इस सप्ताह को सुफलदायी, लाभदायी, आनंददायी बना सकते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो आगे आने वाली वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो अब ज्यादा देर न करते हुए बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए 11 सितंबर से 17 सितंबर 2023 का सप्ताह कैसा रहेगा। तो आज का यह कार्यक्रम जो है चंद्र लग्न से आधारित होगा। तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह जो सप्ताह है, इस सप्ताह जो है करियर कारोबार में जो है आपको विशेष उपलब्धि दिलाने वाला यह सप्ताह होता हुआ दिख रहा है। तो इस सप्ताह जो है कन्या राशि के जातकों को करियर में भी लाभ की प्राप्ति, कारोबार में भी विशेष उपलब्धि की प्राप्ति होते हुए दिख रही है। विशेष लाभ की प्राप्ति आपको जो है करियर कारोबार में मिलती हुई इस सप्ताह दिख रही है। यदि आप व्यवसाय करते हैं, कन्या राशि के जातक व्यापार करते हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और अपने कारोबार को जो है विस्तार देने का प्रयास कर रहे हैं, अपने कारोबार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी यह योजना जो है इस सप्ताह अच्छी तरह से साकार रूप लेती हुई नजर आएगी। इस समय जो है, इस सप्ताह जो है आपकी वह योजना काम करेगी और आप अपने व्यवसाय का, व्यापार का जो है विस्तार कर पाएंगे। आप जो है बाजार में आई हुई तेजी का भी पूरा लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। तो बाजार में जो तेजी आएगी उसका भी जो है कन्या राशि के जातक जो व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, आप जो है लाभ उठाने में कामयाब इस समय रहेंगे। किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में कोई नया कारोबार शुरू भी इस समय आप कर सकते हैं। तो कन्या राशि के जातक जो है इस सप्ताह जो है किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में जो है कोई नया कारोबार भी आप शुरू कर सकते हैं। और नौकरी पेशा करने वाले जो कन्या राशि के जातक हैं, जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो नौकरी पेशा करने वाले लोगों की मनचाही जगह पर तबादले या प्रमोशन की कामना आपकी पूर्ण हो सकती है। तो जहां आप सोच रहे थे तबादले या प्रमोशन के, तो आपकी वह कामना जो है, जो नौकरी करने वाले कन्या राशि के जातक हैं, तो आपकी वह कामना इस सप्ताह जो है पूर्ण होते हुए दिख रही है। यदि आप जो है नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं, अगर आप नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं कन्या राशि के जातक, तो आपको जो है कोई अच्छा ऑफर भी जो है इस सप्ताह मिल सकता है। कोई सुंदर ऑफर आपको जो है नौकरी का इस सप्ताह मिलता हुआ दिख रहा है। सप्ताह का जो उत्तरार्ध भाग होगा, अंतिम हिस्सा होगा, तो सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में सत्ता और सरकार से जुड़े हुए किसी प्रभावी व्यक्ति से जो है कन्या राशि के जातकों की मुलाकात संभव दिख रही है। तो सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में जो है सत्ता सरकार से जुड़े हुए किसी प्रभावी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिसकी मदद से क्या होगा कि भविष्य में जो है लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। भविष्य में जो है अच्छी योजनाओं से, लाभदायी योजनाओं से आप जुड़ सकते हैं उस प्रभावी व्यक्ति की मदद से। यदि किसी वजह से आपके रिश्ते अपनों के साथ इस समय खराब चल रहे थे, पिछले कई समय से अगर किसी वजह से आपके कन्या राशि के जातकों के रिश्ते जो है अपने परिवारजनों के साथ खराब चल रहे थे, तो सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में जो है, सप्ताह का जो अंतिम हिस्सा होगा, तो सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में किसी मित्र या शुभचिंतक की मदद से जो है आपकी जितनी भी गलतफहमियां थी आपके परिवार के बीच, जिनके साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, उनके बीच, आपके बीच जो भी गलतफहमियां चल रही थी, वह सारी गलतफहमियां जो है आपकी दूर होंगी और एक बार फिर से जो है आपसी प्रेम और विश्वास जो है आपका बहाल हो जाएगा, आपके रिश्तों में फिर से मजबूती आ जाएगी। अब बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों का। तो प्रेम संबंध की अगर बात करें, तो प्रेम संबंध में जो है कन्या राशि के जातकों की इस सप्ताह मजबूती आएगी और लव पार्टनर के साथ जो है हंसी खुशी का समय बिताने के अवसर जो है आपको प्राप्त होंगे। हंसी खुशी से जो है आप अपने लव पार्टनर के समय समय व्यतीत करेंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें, तो वैवाहिक जीवन जो है कन्या राशि के जातकों का सुखमय बना रहेगा, आनंदमय इस सप्ताह बना रहेगा।
और किसी कार्य विशेष को करने के लिए, किसी विशेष कार्य को करने के लिए आपके जो माता पिता हैं, माता पिता का विशेष संयोग और समर्थन जो है कन्या राशि के जातकों को मिलता हुआ दिख रहा है। बात करें उपाय की, उपाय क्या करें कन्या राशि के जातक जिससे इस सप्ताह को और भी सुफलदायी, लाभदायी, आनंददायी आप बना सकें, तो कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह जो है उपाय के तौर पे जो है प्रतिदिन इस सप्ताह तुलसी जी की आपको सेवा करनी है और गायत्री मंत्र का जो है एक माला प्रतिदिन आपको जाप करना है, प्रतिदिन जो है गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है। तो इस सप्ताह जो है अगर आप तुलसी जी की सेवा करें और गायत्री मंत्र का जाप करें तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह सारी मनोकामनाएं आपको पूर्ण होते हुए दिख रही हैं और कोई भी जो है आपका कार्य अधूरा नहीं छूटेगा। तो यह उपाय आपको जरूर करना है ताकि आप इस सप्ताह को सुफलदायी बना सकें। तो आज का कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक मां भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता दी।